हेलो बॉयज एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज मेरे सामने जो बाइक है इट्स अ वेरी स्पेशल बाइक। कावासाकी ने 2016 के अंदर 2272 बाइक्स बनाए थे पूरी दुनिया में के लिए, और ये उसमें से 54th बाइक है। 2017 के अंदर भी कावासाकी ने ये बाइक्स बनाए थे मगर जस्ट 500। इट्स अ स्पेशल बाइक, इट्स अ कावासाकी ZX10RR। ये नॉर्मल जो कावासाकी ZX10R है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल कावासाकी ZX10R से डिफरेंट है, और ये कावासाकी ZX10R से तेज़ भी है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कावासाकी ने कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं इसमें जो एक नॉर्मल कावासाकी ZX10R में नहीं होती, उनके बारे में बताएंगे, और क्यों इसको कावासाकी ZX10RR बोलते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी चलते हैं एक राइड के ऊपर और होपफुली आप आज की राइड इंजॉय करेंगे। काफ़ी दिन हो गए थे हमने सुपर बाइक्स के ऊपर राइड नहीं की थी, तो होपफुली ये ब्लॉग आपको मजे का लगेगा। लेट्स गो ऑन अ राइड। ई बॉयज, हियर इट इज द कावासाकी ZX10RR। अगर आप इसके फ्रंट से शुरू करें तो फ्रंट में आपको नज़र आएंगे जी फोर्ज एलुमिनियम रिम्स जो कि ब्रेम्बो ने बनाए हैं स्पेशली। वैसे आपने ब्रेम्बो का नाम ज़्यादातर सुना होगा ब्रेक्स के अंदर ही, मगर इसके रिम्स भी ब्रेम्बो ने बनाए हैं। इंटरेस्टिंग शोवा के इसके अंदर फ्रंट एंड बैक सस्पेंशन है, ओलेंस का डैम्पर है। फ्रंट इसके आप देख लें, शॉर्टी लीवर्स लगे हुए हैं, फुट पैक इसके स्टॉक हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो ये ZX10RR स्टॉक आता है कंपनी की तरफ से, उसमें एक्रापोविक का फुल सिस्टम होता है, मगर इसमें जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है दैट इज़ टेलर्ड फिट एग्जॉस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त इसका साउंड है, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी आप सुनेंगे तो बड़ा इन्जॉय करेंगे। कावासाकी रेसिंग टीम के स्टिकर्स हैं इसके ऊपर। 2016 वर्ल्ड सुपर बाइक चैम्पियनशिप विनर, उस टाइम कावासाकी जीता था, और उसके बाद ये ZX10RR शुरू की थी इन्होंने दोबारा से। आपको बताऊंगा क्योंकि ये पहले भी आती थी तो कब आती थी, अभी राइड पे चलते हैं तो बातें करते हैं। फ्रंट इसका ब्लैक वाइजर लगा हुआ है, पीछे टेल टाइडी है, बहुत ही खूबसूरत लुक्स हैं बाइक की। तो अभी इसे स्टार्ट करते हैं और चलते हैं राइड पे। बड़ा ही ज़बरदस्त स्टार्टिंग है और बड़ा ही ज़बरदस्त साउंड है। गर्मी आज काफ़ी है लाहौर में, और सबसे पहले जी थोड़ा सा फ्यूल डलवाते हैं। जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी इस बाइक के अंदर वो इसकी हैंडलिंग थी। आई वाज रियली इंप्रेस्ड, अ बाइक दिस फास्ट विच कैन हैंडल दिस वेल, वी कॉल इट एन एनिमल। ब्यूटीफुल मशीन, क्विक शिफ्टर, वेरी स्मूथ, ऑटो फ्लिपर स्मूथ एज वेल, और क्या लीनियर फ्लो है इस बाइक का। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर इट्स अ ZX10RR, बहुत ही अमेजिंग 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 इसकी पिक है। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जो 2011 से लेकर जो 17 तक के 16, 17, 18 तक के जो बाइक्स थे कावासाकी के, वो अपने मिड रेंज में मार खाते थे। ZX10RR की मिड रेंज बहुत ज़बरदस्त है। कल मैं इस बाइक को लेके गया था, मैंने फेज 8 के अंदर इसको रन दिए अप टू 250, 260। अमेजिंग, व्हाट अ बाइक। अभी तो मैं थोड़ा ट्रैफिक में चला रहा हूँ, मगर उस टाइम जब इसको भगाया है तो क्या बात है। क्या ज़बरदस्त बाइक है जी। कावासाकी ने अपना जो सबसे पहला कावासाकी ZX10RR बनाया था दैट वाज इन मिड 90s, जो सुपर बाइक की रेसेस होती थी उसके लिए उन्होंने बनाया था कावासाकी ZX7RR। बहुत ही खूबसूरत बाइक, बहुत ही फास्ट बाइक था, उसके बाद ये मॉडल्स कभी भी नहीं आए। फिर जब कावासाकी ने 2015 में ये चैम्पियनशिप जीतना शुरू की, मुसलसल 5 साल जोनाथन रे जीता, तो उन्होंने फिर ये मॉडल निकाला ZX10RR। वही DNA यूज़ किया जो जोनाथन रे के बाइक के अंदर था फॉर ECU। बैक एंड सस्पेंशन को 1 to 2 mm रेस किया फ्रंट एंड के ऊपर वेट डालने के लिए ब्रेकिंग के टाइम पे। और अगर आप इस बाइक को थ्रॉटल देते हैं एक नॉर्मल ZX10RR समझ के, यू आर डूम्ड।
दिस बाइक विल किल यू। इतनी इतनी एक्सट्रीम इसकी थ्रॉटल है फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर, मैं आपको बता भी नहीं सकता। आपको शायद ये, मैं अभी इस टाइम सेकंड गियर के अंदर हूँ, आपको शायद इसके पुल से अंदाजा हो रहा हो, ये कावासाकी ZX 10R का पुल है ही नहीं। और इतनी स्मूथ हैंडलिंग, इतनी जबरदस्त ब्रेकिंग, क्या बात है। ब्यूटीफुल मशीन। पता नहीं टेलर्ड फिट एग्जॉस्ट का साउंड आपको कैसा आ रहा है, मगर आई एम लविंग इट। जो नॉर्मल कावासाकी ZX 10R आते हैं, दैट इज अराउंड, जो इस मॉडल में आता था, दैट वाज अराउंड 194-195 क्लेम्ड हॉर्स पावर। और जो इन्होंने कावासाकी ZX 10RR बनाया, that was around, this one is around 200-201. अब आपको लग रहा होगा यार ये 4-5 हॉर्स पावर इतना फर्क तो नहीं है, मगर ये आप किसी ZX 10R के राइडर से पूछें, अगर आपने ZX 10R चलाया हो या आप चलाते रहे और उसके बाद अचानक से आप ZX 10R RR चलाएं, तो आपको वो फर्क फील होगा कि वो 4-5 हॉर्स पावर, वो लाइट वेट, वो 4 एल्युमिनियम व्हील्स, ये कितना डिफरेंस पैदा कर रहे हैं बाइक के अंदर। और क्या गोली बाइक है ये। ब्यूटीफुल। मजा आ गया इतने अरसे बाद H2R चला चला के किसी और अच्छे बाइक को चलाना। लविंग इट। अगर कोई भी बाइकर इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं किसी भी बाइकर को इनवाइट करता हूँ फॉर अ रेस बिटवीन अ BMW S1000 RR, द न्यू वन, द 19/20/21 मॉडल एंड दिस कावासाकी ZX 10RR, दिस वन विल विन एनी डे एनी टाइम, दिस बाइक विल विन। और ये कोई वो उस तरह का चैलेंज नहीं है कि मैं किसी को थ्रेटन कर रहा हूँ या किसी को धमकी दे रहा हूँ। आप ZX 10RR चलाएं, मैं आपका S1000 RR चलाऊंगा, आप जीत जाएंगे। और मैं अगर ये चलाऊंगा और आप S1000 चलाएंगे तो आप हार जाएंगे। Look at this bike, it's freaking fast. Boy, this bike is freaking fast. Trust me, this bike is fast as well as dangerous. उफ, ये लाहौर की ट्रैफिक। सोचिए आपके पास ZX 10RR है और आपको ये ट्रैफिक भगाने नहीं दे रही बाइक को, कितना जुल्म है ये। ब्यूटीफुल मशीन। दिस कैन बी माय नेक्स्ट सुपर बाइक। आप लोगों ने बताने हैं, शुड आई बाय इट? We'll keep the H2R, we'll keep the Multistrada. और इसको हम एक सेकंड स्पोर्ट्स बाइक की तरह रख सकते हैं अपने पास। क्या कहते हैं आप लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसको भावलपुर लाते हैं, इसको ट्रैक पे भगाते हैं, देखते हैं क्या पोटेंशियल है इसका। So boys, That's it. This was the vlog. Sorry, मैं इसको फेज 8 नहीं लेके जा सकता, क्योंकि कल मैं इसको काफ़ी देर फेज 8 लेके फिरता रहा हूँ। बहुत रन दिए हैं, बहुत मज़ा आया, मगर मुझे आज वापसी भी जाना है और मुझे आज H2R पे व्लॉग भी बनाना है, नहीं तो आप लोगों ने मुझे मार देना है। आप लोग जितना H2R को मिस कर रहे हैं, H2R का व्लॉग बहुत ज़रूरी है। तो मैं H2R के लिए ZX 10RR की कुर्बानी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। बट वट एन एक्सट्रीम एक्सट्रीम मशीन दिस इज़, कमाल।
होपफुली आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।